अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। हमेशा जो है एक नई चीज़ है आपके सामने लेकर आता हूं, चाहे वो खबर हो या फिर स्कूल का दौर हो और साथ चाहे वो किसी भी तबके से वाबस्ता चीज़ हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डल लेक के पास और डल लेक जो है कश्मीर में चांद जो है लगा देता है। और आपको इस बात से भी वाकिफ कर दूं कि डल लेक का नज़ारा देखने कई तरह सयाह आते हैं, पूरे मुल्क से जो है सयाह देखने आते हैं डल लेक का नज़ारा। आपको बता दूं कि कश्मीरी कहवे की आज मैं बात करूंगा, यानी कि कश्मीरी कहवा कितना फेमस है और कश्मीरी कहवा बनता कैसे, उसके बारे में मुख्तसर सी बात होगी। और कश्मीरी कहवे के साथ साथ आप डल लेक का व्यू जो है वो भी देख सकते हो। आप देख सकते हैं डल लेक के पास जो है मेरे भाई एक बैठे हुए हैं जो कि कहवा यहाँ पे बेचते हैं और काफ़ी तरह सयाह यहाँ आके कहवे का लुत्फ लेते हैं और यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ भी जो है बाज़ाब्ता तोड़ लेते हैं। सबसे पहले भाईजान का नाम जानना चाहूंगा और उसके बाद ये जानूंगा कि जनाब कहवा कैसे बनता है और कौन कौन से लोग जो आके यहाँ पे जो है इसे पसंद करते हैं। भाईजान सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम उमर है सर। आपसे जानना चाहूंगा कब से आप जो है कहवा बेच रहे हैं? हम बचपन से बेचते भी है और पीते भी है। एक्चुअली हमारे जो फॉरेन लोग आते थे या हम वेलकम टी इसको बोलते थे। अभी तो बिफोर 3 ईयर्स से कोविड हुआ तो फॉरेन लोग नहीं आ रहा और ये शादी के टाइम भी यूज होते थे। जब हम बचपन में थे हमको जिसमें वो बच्चे दूध पीते हैं ना उसमें भी माँ बाप हमको वही कहवा देते थे। और बहुत बड़ी बात कही है। ये जो कहवा ये गुड फॉर कफ है, गुड फॉर फीवर है, गुड फॉर बहुत सारे हेल्थ है। और ये जो कहवा इसमें सेफ्रॉन यूज होता है, इलायची यूज होता है, ड्राई फ्रूट यूज होता है और इससे अगर आप पिएगा रोज उसके आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम ये ज्यादा विंटर में पीते हैं क्योंकि इससे जो बॉडी है वो गर्म होती है। ये और ये समझो आप एक चीज नेचुरल मेडिसिन है और ये हमारा होममेड टी है। अच्छा ठीक है, मान लिया जनाब कहवे का तो आपने सुन लिया कि कहवे की क्या क्या जो है खूबियां हैं। इसके बाद आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाहर से सयाह आते हैं यानी कि टूरिस्ट आते हैं उनका क्या रद्द मिल रहा है? ये हमारे पास दो ऑप्शन है, जिसको शुगर के बगैर कहवा पीना है उसको हम शुगर के बगैर देते हैं, जिसको विद शुगर पीना है उसको हम विद शुगर देते हैं। इसमें ग्रेवी भी यूज होता है, सेफ्रॉन भी यूज होता है, दो किस्म का इलायची। टूरिस्ट कितना पसंद करते हैं? 99% पसंद करते हैं। तो फिर कोई फीडबैक यानी कि बोलते हैं आपको कहवा अच्छा बना था? हाँ ये तो हमारा ज्यादा 99% व्यू अच्छा ही आता है, रिव्यूज अच्छा ही आता है। तो क्या यादगार कोई ऐसा कहवा किसी सयाह ने यानी कि टूरिस्ट ने बताया जनाब बहुत बढ़िया है मुझे घर ले जाना पैक कर? हमको वो एक्चुअली हम कस्टमर को ये बोलते हैं आप नेचुरल लीजिए, पाउडर मत लीजिए, क्योंकि जितना आप इसको उबालेगा खुद हाथ से बनाएगा उतना आपको कहवा अच्छा बनेगा। जो पाउडर होता है वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इसमें इलायची यूज होता है, ड्राई फ्रूट्स यूज होता है, सेफ्रॉन यूज होता है और इसका बेनिफिट ये जितना आप उबालेगा ना बच्चे को भी पिला सकता है क्योंकि पाउडर पे भरोसा नहीं। पाउडर क्या है इसमें लिखा है तो ये तो आप अपने आंखों से नहीं देखा इसमें पाउडर में ये क्या। अच्छा आपसे जानना चाहूंगा भाईजान, संवार का मुझे तो पता है, मैं तो कश्मीरी हूं और प्राउड से बोलता हूं मैं कश्मीरी हूं, मगर कई तरह ऐसे लोग हैं जिन्हें संवार के बारे में थोड़ी इल्म नहीं है जो बाहर के सयाह आते हैं और वो देखते हैं यहाँ फिर हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं। तो संवार में कहवा कितना टाइम रुकता है, कितना टाइम तक गर्म रह सकता है और उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है? संवार में हम एक चीज पहले कोयला डालते हैं। कोयला इसलिए डालते हैं क्योंकि जिसमें पहले उसके बाद पानी डालते हैं, फिर ड्राई फ्रूट डालते हैं, फिर केसर डालते हैं, इसमें हम शुगर नहीं डालते। अगर गर्मी होती तो फिर शुगर डालते हैं। मसला ये जितना ये उबलेगा ना उतना ही अच्छा। अगर हम फ्लोर घर में होम में पतला में बनाएगा ये अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जितना ये अच्छा रहेगा उबलेगा उतना ही इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और गर्म भी रहेगा क्योंकि हम फ्लोसिक में कस्टमर को कहवा देगा उसका मजा नहीं आएगा। और ये हमारा जो समावार है ये सदियों से चलता है क्योंकि हाँ बिफोर 50 ईयर 40 ईयर इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, फ्लोसिक नहीं था, हम लिप्टन चाय भी इसी में बनाते थे, नमकीन चाय भी बनाते थे, कहवा भी बनाते थे क्योंकि ये जो समावार है इसे अगर आप इसमें एक घंटा भी उबालेगा क्योंकि ये जो हमारा रसम का सनत है जो तांबे में कुछ भी खाएगा इससे बीमारी नहीं होगा, जो वो मिट्टी को हो तांबे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी बात आपने कही। तो भाईजान आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नजारा क्या है अपोजिट और आप यहाँ पे संवार लेके बैठे तो हैं। खुशकिस्मत में मैं डल्ले के किनारे कहवा बेचता हूँ, मैं ऊपर वाले का शुक्र कहता हूँ, विदाउट वे यूज मैं इधर बिजनेस करता हूँ, ये ऊपर वाले का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र करना भी चाहिए और जिस तरीके से मेरे भाईजान जो है काम कर रहे हैं और कहवा जो है बेच रहे हैं, कहीं तरह टूरिस्ट यहाँ आके वादियों का लुत्फ भी उठाते और कहवा भी जो है बड़े मजे से पीते हैं। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि जिस तरीके से भाईजान का कहना है जो रीति रिवाज है यानी कि संवार काफी सदियों से चला आ रहा है
और संवार में जो है ये काहवा बनाते हैं और काफी अरसे तक जो है ये काहवा जो है वो गर्म भी रहता है। काफी तरह चीजें इसमें यूज होती हैं और बिल्कुल शुद्ध प्योर काहवा जो है आपको डल लेक के किनारे जो है मिलेगा पीने को। और आपको इस बात से भी आगा उमर भाई आपसे सवाल रहेगा, अगर कश्मीर के बारे में और काहवे के बारे में आपने दो लाइनें कहनी हो तो क्या कहेंगे? हम कहेगा मैं लोगों से उम्मीद करो आप पहले मेरा कप ये कहवा फ्री ऑफ कॉस्ट पियो पहला कप, उसके बाद पैसा दीजिए, जब आपको टेस्ट अच्छा लगेगा फिर आप पैसा दीजिए। कश्मीर के बारे में कहवे कुछ जी। कश्मीरी लोग भी अच्छे हैं जो इधर कस्टमर आते हैं, एक्चुअली वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं आते हैं, वो लोगों के प्यार की वजह से आते हैं। बहुत बड़ी बात की है जनाब, जितने भी देखने वाले हैं यानी कि जो भी आते हैं गवर्नमेंट का तो एक रोल होता है मगर जो कश्मीरियत को देख के बाहर से सैयाह आते हैं ये बड़ी बात है जनाब। ये एक्चुअली हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं वो कस्टमर को बोले वो आए। अब ट्यूलिप गार्डन भी खुल चुका है, सैयाह काफी बढ़ चुके होंगे और काफी तरह कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे होंगे। बहुत सारा तो कल इधर मेरे ख्याल से 4-5 घंटा भीड़ था। बच्चन आपका ये एक संवार है कि या दूसरा भी फिर आप लाते हैं ये खत्म हो जाओ? एक्चुअली हम इसी में उबालते हैं बहुत कुछ, हमारे पास दो हमारे रिजर्व रहता है पानी वानी सब कुछ, हम जो भी बनाते हैं इधर ही बनाते हैं। कितने की बिक्री हो जाती है करीब? ऊपर वाले का शुक्रिया, हमको 500-600-700 बनता है, ऊपर वाले का शुक्रिया। तो जितने भी मुझे देखने वाले हैं सबसे ये उम्मीद लगाए बैठा हूं और ये कहना चाहता हूं जितने भी सयाह हैं बाहर से अगर कश्मीर का रुख करना चाहते हैं तो यहाँ के कश्मीर का कहवा जरूर पीजिए जनाब, क्योंकि कश्मीर के कहवे में वो मिठास है जो कश्मीरियों में है और कश्मीरियत जो है हमेशा जिंदा दिल थी और हमेशा जिंदा दिल रहती है। और आप ये जो कहवा ये कोई भी वो किसी भी रिलेशन का हो को हर कोई पी सकता है, क्योंकि ये इसमें पानी है, सेफ्रॉन है, ड्राई फ्रूट से इलायची है, विदाउट शुगर है, जिसको भी पीना होता है। हमारा ये शादी के टाइम भी यूज होता है, हमारा अगर रिलेटिव भी आएगा उसको भी हम कहवा ही देते हैं। बिल्कुल सही, शादियों में शादियों के टाइम और हर वक्त जो है कहवा यूज होता है। अगर आपने कहवा पीना है कश्मीर का तो जनाब डल लेक का व्यू भी देखिए और कहवा भी भाईजान का जो है वो बड़े उरूज से पीजिए। और आपको ये बता दूं कि काफी तरह सयाह बाहर से आते हैं, तहे दिल से उनका जो है शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पे आते हैं और वादियों का लुत्फ उठाते हैं। और कश्मीर को एक खिताब भी दिया जाता है जिसे जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है और जिस जन्नत का टुकड़े की वादियों का जो है लुत्फ उठाएं और बेमिसाल आए यहाँ पे और कहवा जो है हमारे उमर भाई का पिए। और कहवे की स्टोरी इसलिए लाई क्योंकि हमारी रीति रिवाज और हमारा कल्चर जो है वो इसमें जिंदा रहना चाहिए ताकि बाकी सयाह भी आके कहवे का लुत्फ उठाएं और जो